नमस्कार, आज हम कच्चे चावल से एक नए तरह का नाश्ता बनाएंगे। चावल से तो बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन आज हम जो चावल के नाश्ता बनाने वाले हैं, यह नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर 2/3 कप चावल 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं चावल अच्छे से फूल गया है। चावल को फूलने के बाद इसे हमने पानी से छान लिया है। तो नाश्ते के लिए सबसे पहले हम चावल को पीसेंगे। चावल को हम जार में डाल देते हैं और इसी में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह सूखा पीसेंगे। चावल को हमने इस तरह से पीस कर आटा बना लिया है। यहाँ पर हमने 4 उबले आलू लिए हैं, इसका छिलका हमने साफ कर दिया है। अब आलू को हम फोड़ कर मैश करेंगे। आप चाहें तो आलू को कद्दूकस कर सकते हैं या फिर मैशर से मैश करके ले सकते हैं, लेकिन हम हाथ से इसे अच्छे से फोड़ लेते हैं। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसी में हम पिसा हुआ चावल को डालेंगे। इसके बाद 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पाव भाजी मसाला या फिर दम आलू मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पालक डालेंगे। अब सारे चीज़ों को आलू में अच्छे से मिला लेते हैं। इसी में हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे नाश्ता अंदर से फूला फूला और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें उबले हुए आलू डाले हैं और चावल भी पहले से भीगा हुआ था, इसलिए हम इसी तरह बिना पानी के सारे चीज़ों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। तब तक हम नाश्ते के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर 4 हरी मिर्च, 5 से 6 कलियाँ लहसुन, थोड़े से कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़े से हरा धनिया। अब सारे चीज़ों को हम जार में डालकर चटनी पीस लेते हैं। इसी में हम 1 बड़े चम्मच बेसन के सेव डालेंगे। इससे जो चटनी है बहुत ही टेस्टी बनेगा। और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डालकर चटनी को पीस लेते हैं। चटनी पीस कर हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालकर मिलाएंगे। नाश्ते के लिए चटनी बनकर तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। लगभग 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मिश्रण फूलकर पूरी तरह सेट हो गया है। तो पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा लोई लेकर इसका नाश्ता बनाएंगे। आप देख सकते हैं इतने बड़े साइज के लोई हमने लिया है। अब इसे हम चिकना गोल करते हुए हल्का सा चपटा करेंगे। इस तरह से हम पूरे नाश्ते को बनाएंगे। हम इसी तरह से पूरे मिश्रण का नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। नाश्ता हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे गोले आकार या फिर टिक्की का आकार कोई भी शेप दे सकते हैं, और इसे आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। एक एक करके हमने पूरे मिश्रण का नाश्ता बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। नाश्ता फ्राई करने के लिए तेल गरम है, गैस को हमने मीडियम में रखा है और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। हम एक साथ पूरा नाश्ता नहीं तल रहे हैं, कढ़ाई में जितना तेल है उसी हिसाब से हम नाश्ते को डाल देते हैं, जिससे इसको पलटकर फ्राई करने में आसानी हो। अब हम धीरे धीरे नाश्ते को पलट देते हैं। इसी तरह मीडियम आंच पर सुनहरे रंग में फ्राई करेंगे, यानी कि जब तक इसके ऊपर हल्का सुनहरा कलर नहीं आ जाए तब तक इसे हम उलटते पलटते फ्राई करेंगे। अब ये सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम तेल से निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी बचे हुए नाश्ते को फ्राई करेंगे।
इस नाश्ते को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में यह नाश्ता फ्राई हो जाते हैं। लेकिन आप जब इस तरह से नाश्ता बनाएं तो मीडियम आंच पर फ्राई करें। मीडियम आंच पर तलने से एकदम फूले फूले बनेंगे और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब ये वाले भी नाश्ते फ्राई हो गए हैं तो अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कच्चे चावल का क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब इस तरह का नाश्ता आप घर पर बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। एक पीस हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम है। इस तरह का नाश्ता आप घर पर बनाकर हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। यह चावल का नाश्ता अगर आप एक बार घर पर बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। यह नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।